बहुत प्रसन्नता है कि दुश्मन ऐसा ही होना चाहिए उपेंद्र जी जैसा, अर्थात बिहार को आरजेडी बचाएगा और तेजस्वी को नेता, जो आज हमारे प्रतिपक्ष हैं उन्हीं के नेतृत्व में बिहार को चलना चाहिए। अब तो उपेंद्र के समझ में आ गए, कम से कम कुर्सी छोड़ हटे, नीतीश कुमार हटे, बिहार को बचाने आदमी व्यक्ति का नाम है तेजस्वी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कल आरजेडी में हुई थी, राज्यसभा कौन जाएंगे इसको लेकर चर्चा होना था और उसको अधिकृत कर दिया गया है लालू यादव को। लेकिन देखिए, कल बैठक हुई थी और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शिरकत करने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे, लेकिन पटना पहुंचने के बावजूद वो पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे। सवाल कई खड़े हुए कि आखिरकार पटना पहुंचने के बावजूद भी तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय क्यों नहीं आए, ये बड़ा सवाल था। इसको लेकर जेडीयू ने भी तंज कसा, जेडीयू ने भी कह दिया कि इस ये जो आरजेडी है उसका नाश होना है और इसी की शुरुआत हुई। अब ये सवाल जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ऊपर भी सवाल खड़े हुए कि जगदानंद सिंह आखिरकार बीच मीटिंग में उठकर क्यों चले गए, ये तमाम सवाल थे। इसको लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा है उन्होंने जवाब भी दिए और तंज भी कसा आरजेडी को लेकर। यही सवाल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से पूछा गया, क्यों तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए, आप बीच में उठकर क्यों चले गए, और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की नाश हो जाएगी। इसको लेकर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को हम धन्यवाद देते हैं कि जो वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं, जनता ने प्रतिनिधित्व दिया है तेजस्वी यादव को, यानी कि आरजेडी को। तेजस्वी यादव के मन में जनता, जिस तरीके से कहा जाए कि जनता के मन में तेजस्वी यादव के लिए स्नेह प्रेम है, और जो बातें ये कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी वो अपना सोच ले, हम उनको धन्यवाद देते हैं। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने, सुनवाते हैं उस बयान को। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आरजेडी का नाश हो जाएगा, जिस प्रकार से कल स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी उसमें तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, उनका कहना है कि ये आरजेडी में दिखा रहा है कि आरजेडी का नाश तय। बहुत प्रसन्नता है कि दुश्मन ऐसा ही होना चाहिए उपेंद्र जी जैसा, अर्थात बिहार को आरजेडी बचाएगा और तेजस्वी को नेता, जो आज हमारे प्रतिपक्ष हैं उन्हीं के नेतृत्व में बिहार को चलना चाहिए। अब तो उपेंद्र के समझ में आ गए, कम से कम कुर्सी छोड़ हटे, नीतीश कुमार हटे, बिहार को बचाने आदमी व्यक्ति का नाम है तेजस्वी। पर जिस तरह से कल सर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी उस वक्त आप भी अचानक निकल गए। एक बात तुम लोग भूल जाते हो, तुम लोग दिन भर यहाँ बैठे रहते हो कि कई काम करते हो, बोलो। सुनो, बिहार का नेता प्रतिपक्ष है और बिहार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष, अनेक काम करने पड़ते हैं, सारा इंतजाम सब चीज यहाँ से किया हुआ है, लेकिन क्या एक ही काम है कि और काम है, अनेक काम है। जिन दिन जानोगे वो क्या कर रहे थे, किसी ने जानो कि मैं क्या कर रहा था, कल जाने वाले थे बाहर, अनेक सहयोग की चर्चा हम लोग के बीच में बाकी थी। कोई राष्ट्रीय जनता दल में जो थोड़ा सा विभेद दे रहा है मैं उसको मूर्ख कह रहा हूँ। तेजस्वी नेता हैं, तेजस्वी नेता रहेंगे, आरजेडी में किसी तरह की परेशानी नहीं है, इसलिए जो आरजेडी के बारे में अच्छी राय रखते हैं मैं उनके प्रति शुभकामना उपेंद्र जी के करता हूँ कि बात की समझ में तो आया आपको। पर तेजस्वी यादव भी सर कल पटना पहुंचे थे काफी दिनों के, कल तेजस्वी यादव भी काफी दिनों के बाद, समझ ले कई दिन के बाद आए थे और जाना था शाम को, आए थे दोपहर में, शाम को जाना था 5-7 दिनों के। भारत की तरफ से भविष्य के भारत की चर्चा करने तेजस्वी नाउ ओनली नॉट लीडर ऑफ द स्टेट, लीडर ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स, उस काम, वो काम मेरा हल्का है क्या, उस पर डिस्कशन नहीं होंगे क्या? 5 घंटे लगे कल डिस्कशन में और मैं अचानक नहीं गया, देखते थे ना मेरे हाथ में लिफाफा थी, आप लोग देखते नहीं हो,
खाली खिड़की छटकाना जानते हैं। इसे जरा जान लो, जिम्मेवारी जिनके पास है उनके पास काम ही अधिक है। बैठक सारी चीज़ें तय थी, बैठक बुला दिया जाता,